जब परिवार कह रहा है कि हमारे परिवार के लोग आने वाले हैं, सुबह आने वाले हैं, तो इनको इतनी घाई क्या है? ऐसा क्या वो डेड बॉडी चीख चीख के क्या बताने वाली थी? यानी हाथरस का डीएम, हाथरस का सीपी एक डेड बॉडी से डर रहे हैं, ऐसा वो लाश क्या बताने वाली थी जिसको रात को ही जला दिया गया? एक लाश से डरते हो? इतनी इतनी घबराहट क्यों है यूपी पुलिस में कि वो एक लाश से भी डरने लग गई है? और इसलिए ये लाश चीख चीख कर दूसरे दिन बताने वाली थी कि इसके ऊपर गैंग रेप हुआ है, अगर इसका पोस्टमार्टम फिर से किया गया होता तो। इस घटना का सबसे इंपॉर्टेंट जो सबूत है उसी को मिटा दिया है। कल को अगर बहुजन समाज के आंदोलन के वजह से अगर इस बच्ची का फिर से पोस्टमार्टम करने की मांग होती, न्यूट्रल और जो नॉन बीजेपी के लोग हैं, डॉक्टर्स हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ से बीजेपी शासित हॉस्पिटल से नहीं, न्यूट्रल हॉस्पिटल से अगर हम लोग मांग करते तो इस बच्ची का रेप, गैंग रेप हुआ है ये सिद्ध हो जाता। और इसलिए ये सिद्ध ना हो इसलिए एसपी ने, डीवाईएसपी ने, वहाँ के डीएम ने इस सबूत को ही मिटा दिया है, इस सबूत को मिटा दिया। इन्होंने रात को चोरी छुपे वहां जाके इस बॉडी को जला दिया है। सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस इन्होंने मिटाया है और इसलिए इनको सह आरोपी किया जाए। और ये लोग जो कह रहे हैं कि आज यूपी में देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से घटनाएं हो रही है, जैसे अभी बलरामपुर में भी मुझे आपने बताया कि वहां पर भी इसी तरह की घटना घटित हुई है, तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के सीएम का इस्तीफा लेना चाहिए। और यहां पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भूमिका मेरी है, मैंने उस तरह का मेमोरेंडम प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया हुआ है। हमें 15 दिन के बाद का समय मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग ऑनलाइन ईमेल से हम उनको ये मेमोरेंडम कल भेज रहे हैं जिसमें ये सारी मांगे हैं। पहली मांग, आज उन्होंने कहा है कि 25 लाख रुपए फैमिली को देते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं अंबेडकर परिवार की तरफ से 50 लाख रुपए देता हूं सीएम योगी को, इस्तीफा दे दो। 50 लाख रुपए मैं देता हूं, सीएम योगी ने सीएम पद का इस्तीफा देना चाहिए, हमको तुम्हारे 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, आपकी नौकरी नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, हमारे परिवार को, हमारे समाज को हम संभालने के लिए सक्षम है, पूरा देश नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग हमारे इस एक परिवार को संभाल सकते हैं, हमको इनके दया के ऊपर नहीं जीना है, हमारी जो मांगे है वो मांगे पूरी करो। पहली कि यहां पर स्पेशल कोर्ट का नियोजन होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट बैठना चाहिए, यहां के सीएम का इस्तीफा होना चाहिए, इस तरह की हम लोगों ने वहां पर मांगे रखी है, ये सारा है। और ये जो पुलिस प्रशासन है इनको पार्टी बनाया जाए, सह आरोपी बनाया जाए। कहा इनका गो रक्षक? एक गाय मरती है तो पूरे देश में आप लोग बवाल करते हो, कहा ये करनी सेना और ये बजरंग दल, गोरक्षक, ये सारे जो आरएसएस के अलग अलग विंग्स है, आरएसएस का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको जो ब्राह्मणों का जो राज हुआ करता था ये वापस लाने के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हिंदू बनाते हैं। क्या वाल्मीकि समाज आप लोग हिंदू बोलते हो ना उनको? आपके देवी देवताओं को वो पूजते हैं, आपके मंदिरों को पैसा देते हैं, तो कहां है हिंदुओं की संगठना? कहां गई हिंदुओं की हिंदू महासभा? कहां है मोहन भागवत जो हिंदुओं का रैबर होने की बातें करता है? कहां है हिंदू राष्ट्र का संकल्पना रखने वाला नरेंद्र मोदी? कहां है हिंदुओं का सीएम? हिंदू के ऊपर हुआ है बलात्कार, तो हिंदू के ऊपर बलात्कार हुआ है तो हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं के संगठन कहां है? वाल्मीकि समाज को आज पता लग जाना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है, ये सिर्फ उनको उनको वोट लेने के लिए उनको हिंदू बनाया गया है, वो शूद्र है और शूद्रों को इस वर्ण व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं है। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी बेटियां नौकरी करेंगी, तो उनको इसी तरह से उनका रेप होगा, उनकी शिक्षा बंद होगी, ये मैसेज दे रहे हैं इस घटनाओं से, इसके पीछे मैसेज है। मैंने तभी कहा आपको अगर किसी को खून करना है तो वो गोली मारेगा, चाकू घुसड़ेगा, लेकिन ये खून करने की इनकी मंशा नहीं है, ये मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को, इस देश के लोगों को मैसेज है इस बलात्कार से,
और इसलिए ये हम लोगों को समय पर समझ जाना चाहिए और वाल्मीकि समाज को समझ जाना चाहिए कि जिनके देवी देवताओं को ये पूछते आ रहे हैं उनके लोग आज इस वाल्मीकि समाज के पीछे क्यों खड़े नहीं है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके ऊपर ये घटनाएं अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये एक संकेत है कि ये फिर से उसी 2500 सालों पहले की व्यवस्था फिर से एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं। कोई अगर शेड्यूल कास्ट का या शूद्र जिनको कहा गया था इनके मनुस्मृति के कानून में, अगर उन शूद्रों में से अगर कोई पढ़ लिख जाए, कोई अगर अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे, तो ये उनको इसी तरह से मारने का कानून उस किताब में लिखा हुआ है। तो ये उसी को रिवाइव कर रहे हैं। ये रिवाइव ऑफ मनुस्मृति चल रहा है इस देश में, रिवाइवल ऑफ मनुस्मृति चल रहा है। और अगर मनुस्मृति को जिंदा होना है तो संविधान को मरना होगा, और इसलिए ये संविधान को रोज हत्या संसद से चल रही है। किसानों का कानून बनाया गया, संविधान की हत्या है। लेबर लॉ बनाए गए, संविधान की हत्या है। नीट लागू कर दिया गया, संविधान की हत्या है। राम राज्य में कहा गया है कि शूद्रों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं होगा, और वही नीट कहता है कि आप 12वीं पास कैसे हो गए, इसके बाद हमारी नीट परीक्षा देनी होगी, इसमें पास हो गए तो ही आगे की पढ़ाई होगी। ये मनुस्मृति का कानून है। बीजेपी की नेता कंगना, आप चुप क्यों है? जहां पर बीजेपी की शासन नहीं है वहां पर आकर बीजेपी की ये नेता कंगना वहां पर आकर बीजेपी को बढ़ावा देने के काम कर रही है, तो यहां पर बीजेपी का शासन है वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही? जिन मंदिरों में आप जा रहे हो वो लोग आप लोगों को शूद्र मानते हैं और शूद्र के साथ इसी तरह से व्यवहार होना चाहिए, ये इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं और उसी के ऊपर ये काम हो रहा है। तो यहां पर पुलिस इतना बड़ा खेल खेल रही है, इतना बड़ा झूठ छुपाने का कोशिश कर रही है, इनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं बिठा रहे हो? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किसको दे रहे हो? होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर को उसमें चेयरमैन बना रहे हो? अरे देश के होम मिनिस्टर पे जब कानून के केसेस चल रहे थे तो जजेस को मरवा दिया गया है इस देश में। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस लोया की डेथ कैसे हो गई, खुलवाओ जरा इसका सारा रिपोर्ट। तो ऐसे लोगों को आप, होम मिनिस्टर को आप एसआईटी के ऊपर बिठाओगे, क्या न्याय मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के टीम के माध्यम से कोई न्याय नहीं मिलेगा? सीबीआई जांच करवाओ इसके लिए। आप लोग उस पीड़ित को इस तरह से आप लोग ये सेट करना चाहते हो, एक उदाहरण सेट करना चाहते हो कि इस तरह से आप सवर्णों का वहां पर पुलिस थाने पे मोर्चा चला गया तो दूसरे ही दिन एसपी ने ये सारी कार्रवाई शुरू की है। सवर्णों का मोर्चा आता है, ठाकुरों का मोर्चा आता है, तो आप उसको संज्ञान में लेकर हमारे बच्चों को जला रहे हो? सबसे पहली मांग तो यह है कि इन लोगों को सह आरोपी बनाया जाए। इन्होंने सबसे मुख्य एविडेंस इन लोगों ने नष्ट किया है, एसपी ने नष्ट किया है। इसको मीडिया बोलना ही नहीं चाहिए, इसको मोदिया बोलना चाहिए। ये मीडिया है ही नहीं, ये सिर्फ मोदी और मोदी और मोदी का ही इशारे के ऊपर काम करता है। ये मीडिया है ही नहीं। ये सारे जो बैठे हुए हैं ना एंकर्स, जो हाथ ऊपर करके बाहें ऊपर करके धमकी देते, ये आरएसएस के गुंडे हैं। जैसे आपके यहां पर जेएनयू का मामला चल रहा था तो पुलिस की वर्दी में आरएसएस के लोग घूम रहे थे, वैसे ही आरएसएस के लोग अब पत्रकार की वर्दी में घूम रहे हैं। ये आरएसएस के पेड वर्कर्स हैं। वो आप वो संजीव क्या नाम है चौधरी को ले लो, वो अर्नब को ले लो, ये सारे आरएसएस के पेड वर्कर्स हैं। ये पत्रकार नहीं है, इन्होंने कोई पत्रकारिता की नहीं है, इन्होंने चाटुकारिता की हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री से तो कुछ होने नहीं वाला। ट्रैक्टर जल जाता है तो वो बंदा टीवी पर आकर कहता है कि ट्रैक्टर जल गया तो दुख होता है इस देश के प्रधानमंत्री को। बच्ची को जलाया जाता है तो एक शब्द नहीं निकलता इस देश के प्रधानमंत्री से। ये कैसा प्रधानमंत्री इस देश के लोगों ने चुना है, ये कैसा प्रधानमंत्री है? मोरों को नचवाने के लिए इसके पास समय है, लेकिन इस देश में बच्चे को दिन दहाड़े उसकी गैंग रेप होती है, उसको जलाया जा रहा है, पुलिसों के माध्यम से जलाया जा रहा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे। महाराष्ट्र में इन लोगों को डर लगता है। अब यूपी में क्या हो रहा है? फिर यूपी में राम राज्य आ गया है, और सही मामले में आप देखे जाओ तो ये ही राम राज्य की शुरुआत है जहां पर शूद्रों को इसी तरह से मारा जाएगा। ये है असली राम राज्य। क्या ये राम राज्य लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है?
ये हमको बताना चाह रहे हैं कि आप पढ़ लिख जाओगे, आप अगर बढ़ना चाहोगे तो इसी तरह से आप लोगों को मारेंगे। ये कोई मर्डर या रेप का किस्सा नहीं है। अगर किसी को रेप करना होता तो वो किसी की जबान नहीं काटता, किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ता, गली की हड्डी नहीं तोड़ता। किसी को खून करना होता तो चाकू से वो उसका खून कर देता, गोली डाल देता। लेकिन इस तरह का कृत्य करके ये इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शूद्रों को, ओबीसी को ये बताना चाहते हैं कि राम राज्य जब आएगा तब शूद्रों की इसी तरह से अवस्था इस देश में होगी। संसद कोई कानून बनाता है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, आवाज देश के लोगों को उठानी पड़ रही है। और इसलिए इस देश के लोगों को सक्षम विपक्ष की जरूरत है, जो कांग्रेस और बाकी के जो लोग जो बैठे हैं नॉन बीजेपी के सीटों पे, ये देश का सक्षम विपक्ष नहीं हो सकता। हम लोगों को बाबा साहब के उस आइडियोलॉजी के ऊपर चलना होगा जिस आइडियोलॉजी पे बाबा साहब ने उनकी पार्टी का गठन किया था। आज ही के दिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट बाबा साहब लेकर आए थे कि हम पहले मुसलमान है, पहले सिख है, पहले हिंदू है, पहले क्रिश्चियन है, पहले बौद्ध है, ये भावना नहीं चलेगी। हम पहले इस देश के नागरिक है। ये जज्बात कब हमारे दिलों में निर्माण होगा? क्यों मनीषा वाल्मीकि के हत्या होने पर क्यों अंबेडकर को आगे आना पड़ता है? क्यों इस देश का जोशी तिवारी त्रिपाठी आगे आकर बात नहीं करता? क्यों निर्भया के लोग जो जिस समय हाथ में कैंडल लेकर खड़े थे आज क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों ये देश की बच्ची नहीं है? क्योंकि वो निचले तबके की है, इसलिए इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है आज भी 2020 में भी। तो कहां है आपकी नेशनलिटी? क्या नेशनलिटी या राष्ट्रीयत्व की भावना सिर्फ दो ही दिन आएगी, 15 अगस्त को और इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी तब? बाकी के दिन हम लोग राष्ट्रीय नहीं है, हम लोग नेशनलिस्ट नहीं है। तो ये नेशनलिटी की भावना बाबा साहब अंबेडकर जी इस देश के हर एक व्यक्ति में निर्माण करना चाहते थे। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर इस देश के ब्राह्मणों के ऊपर भी अगर कोई अत्याचार होता है तो हम पहले आवाज उठाएंगे, और मैंने उठाई। हमने लंदन में जब मोर्चा किया तब संजीव भट्ट के लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाई है। संजीव भट्ट, हमने नहीं देखा वो ब्राह्मण है क्या, शूद्र है या कौन है, लेकिन उसके ऊपर अन्याय हुआ है। एक आईपीएस ऑफिसर मोदी के ऊपर जब हलफनामा दायर करता है तो उनको जेल में, आज भी वो जेल में है। वो ब्राह्मण है इसलिए हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, ये भावना हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। ये अपने आप को वाल्मीकि, चमार, जाटव, ये जातियों से बाहर निकालो। जब तक वाल्मीकि बने रहोगे इस तरह का ठाकुर रेप करता रहेगा। जहां पर ये जातियों का आइडेंटिटी लेकर चलोगे इस तरह के सब अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। कितने दिन भारत बंद करके बताओगे, और कितने महीने हम लोगों को भारत बंद करके दिखाना है? कुछ भी हो जाए भारत बंद, भारत बंद। और भारत बंद में होता क्या है? हमारे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस। कितने सालों तक हमारे बच्चों के ऊपर हम झूठे केसेस लगवाए? हम लोगों ने महाराष्ट्र में नामांतर का आंदोलन किया, तीन पीढ़ियां बर्बाद हुई, तीन पीढ़ियां। एक तरफ हम लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहे और मराठा समुदाय के लोग अब्जोपति बन गए। कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखो, कब तक भारत बंद करवाएंगे हम लोग? अरे ये भारत बंद करवाने से अच्छा एक बार ये जातियों को बंद करवा दो। एक भारतीय होने के नाते अपने आप को एस्टैब्लिश करो। जहां से इन लोगों को फंडिंग आ रही है ना, ये इन मंदिरों में जाना बंद करवा दो। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, जिन मंदिरों में आप जा रहे हो वो लोग आप लोगों को शूद्र मानते हैं, और शूद्र के साथ इसी तरह से व्यवहार होना चाहिए, ये इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं और उसी के ऊपर ये काम हो रहा है। और इसलिए ये सारा बंद करवा दो। बाबा साहब के सिर्फ फोटो को लेकर मत चलो, उनके विचारों को लेकर चलो। बाबा साहब को जब ये पता चला कि ये लोग हमको अधिकार देने को तैयार नहीं है, ऐसे धर्म को बाबा साहब ने लात मार दी थी। हम लोगों को वो देखना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब का इस्तेमाल राजनीति के लिए वोट मांगने तक नहीं करो। बाबा साहब ने जिस कंक्लूजन को दिया है उसे भी तो एक्सेप्ट करो। सिर्फ इलेक्शन आती है तो बाबा साहब का फोटो हाथ में लेकर, पब्लिसिटी स्टंट के लिए बाबा साहब नहीं है। संविधान हाथ में पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं है। उसमें क्या लिखा है, वो प्रोविजन क्या है, उसके ऊपर उंगली रखो।
बाबा साहब अंबेडकर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन संविधान के माध्यम से आज भी हमको सेफगार्ड करके गए हैं, सुरक्षित करके गए हैं। उस सुरक्षित कवच को आप लोग देखो। आज मैं स्पेशल कोर्ट की मांग कर रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं, मीडिया से मैंने देखा, सभी लोग कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमको नहीं चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, हमको जल्दी जजमेंट नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जल्दी जजमेंट आएगी, जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन एट्रोसिटी एक्ट में है, स्पेशल कोर्ट वहां पर बैठना चाहिए, स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन हो। सीएम, अगर आप महाराष्ट्र के कंगना का घर गिरा दिया जाता है तो आप कहते हो कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो यूपी में क्या हो रहा है? हमारी दूसरी मांग है कि यूपी में भी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वहां के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। मेरी प्रेसिडेंट की तरफ दूसरी मांग होगी, यूपी के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमको 25 लाख नहीं चाहिए, आपका इस्तीफा दे दो, आप इस्तीफा दे दो, आप आपके देश आपके राज्य में हमारे लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, आप ये कबूल करो और वहां से हट जाओ, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। महाराष्ट्र के लिए दूसरा न्याय, यूपी के लिए दूसरा न्याय, ऐसे कैसे? बीजेपी की नेता कंगना, आप चुप क्यों है? जहां पर बीजेपी की शासन नहीं है वहां पर आकर बीजेपी की ये नेता कंगना वहां पर आकर बीजेपी को बढ़ावा देने के काम कर रही है, तो यहां पर बीजेपी का शासन है वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही? एक छोटा सा घर उसका गिर जाता है तो पूरा मीडिया दिन भर गिराता है, दिखाता है, वहां पर हमारे किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहां पर एक मीडिया नहीं दिखा रहा। तो ये सारा हम लोग देख रहे हैं, देश का, सिर्फ देश की गवर्नमेंट नहीं बिकी है, देश का विपक्ष भी बिक चुका है, और इसलिए इस देश को सक्षम ऐसे विपक्ष की जरूरत है। और आज मैं ये आप लोगों के सामने घोषणा करता हूं, आज ही के दिन बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की यहां से नींव रखी थी, इसी घर से नींव रखी थी। ये हम लोग इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे, लेकिन बाबा साहब के इस आरपीआई को हम फिर से जिंदा करेंगे। और जो विपक्ष बाबा साहब का काम करना चाहता था विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हम वो विपक्ष का काम करेंगे। नेक्स्ट मंथ में हमने एडवोकेट फैजल से बात की है, प्रधानमंत्री के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, योगी के खिलाफ, मुंबई हाईकोर्ट में हम लोग इसी आरपीआई के माध्यम से या जो कोई भी संगठन हो इस माध्यम से इन लोगों के खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुकी है। दुबई की हमारी एक यूएई की लेडी ने, ये ऑलरेडी इशू हो चुकी है, उसमें हम इंटरवीन करके इंडिया से भी ये केस हम लोग उठा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुकी है, ये मीडिया कोई नहीं बता रहा। दो दिन पहले मैं लाइव आकर मैंने बताया कि टाइम्स मैगजीन ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या छापा है। देश के मीडिया क्या बता रहा है? टाइम्स मैगजीन में 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में मोदी का नाम है। किस वजह से है वो तो बताओ। भारत का लोकतंत्र खाई में गिराने के वजह से इनका नाम टाइम्स मैगजीन में आया है। टाइम्स मैगजीन ने उल्लेख किया है कि देश का, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र इन्होंने खाई में गिरा दिया है, इस वजह से उनका नाम टाइम्स मैगजीन में, ये मीडिया नहीं बता रहा। और इसलिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे जरूरी है इस देश का विपक्ष, और वो विपक्ष की भूमिका अगर इस देश का कांग्रेस नहीं निभा रहा तो इस देश के लोग निभाएंगे, और इन देश के लोगों को वो बाबा साहब के आरपीआई के तत्वों को बताने का काम भी हम लोग करेंगे।